असलम वेलकम टू माई चैनल गेन नॉलेज एंड माई नेरवाज़ आहिद सो द टॉपिक ऑफ दॉपिकोडेज लेक्चर इज़ एग्लोमेटिव क्लस्टरिंग हमारे पिछले लेक्चर में मैंने क्लस्टरिंग पढ़ाया था कि क्लस्टरिंग क्या होता है फिर क्लस्टरिंग क्या होती है और उसके अंदर जो मेन उसकी टाइप थी के मेन क्लस्टरिंग वो बताए थी ठीक है वो आसान थी के एम इन क्लस्टरिंग थी बेसिक थी बहुत ईजिली सॉल्व होती थी डेट सौ माइनस में हालांकि मुझे पहले ये पढ़ाना चाहिए था बट ये थोड़ी बड़ी एग्जाम्पल डेट सौ मैंने इसके अलग से लेक्चर प्रिपेयर किया ठीक है अगर आप लोगों ने क्लस्टरिंग नहीं पढ़ा अगर आप लोगों को नहीं आता अगले मेरे क्लस्टरिंग समझना है तो आप लोगों को पहले मेरा प्रीवियस लेक्चर देखना पड़ेगा क्लस्टरिंग की एम इन क्लस्टरिंग के नेम से है ठीक है वो पढ़ना है देन आपको ये वाले कंसेप्ट वो क्लियर हो जाएंगे क्लस्टर कहते हैं किससे क्लस्टरिंग होती कैसे है क्या ए टी सी डेटा सेट क्या होता है सबसेट्स क्या होते हैं वो सारा कुछ आप लोगों को मेरे प्रीवियस लेक्चर से समझ आ जाएगा ठीक है नाउ

थोड़ा, सा है, थोड़ा थोड़ा सा माइनस से डिफरेंस करते हो जब आप थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करते हो तो क्या होता है आपके पास एक और एल्गोरिदम जो होता वो हो है।, है वो जनरेट हो जाता है सही है बाकी मेनली कंसेप्ट होते हैं वो वही होते हैं दीज एल्गोरिदम, द स्टार्ट बाई ट्विटिंग Next, आपके पास पहले स्मॉल कलस्टर बनता है फिर देन उस कलस्टर क्लस्टर बनता है आपके पास मजीद आपके पास क्या होते हैं लेक्चर्स बनते जाते हैं क्लस्टर्स बनते जाते हैं सॉरी ठीक है sorry, क्लस्टर्स बनते जाते हैं तो अब आप, आपके पास फॉर एग्जाम्पल अगले में जब आप लोगों को मैं करवाऊंगी एग्जाम्पल अभी आगे ठीक है हैंड रिटर्न एग्जाम्पल है तो उसमें आप लोगों को पास लगेगा क्लस्टर बन कैसे रहा लाइक like, पहले आपके पास एक डाटा सेट डेटा पॉइंट था डेटा पॉइंट्स आपके पास जब दो हुए तो वो एक क्लस्टर बन गया देन उन्हीं दो को यूज करके हमने एक थर्ड क्लस्टर बनाया देन उन तीनों को यूज करके हमने एक फोर्थ क्लस्टर बनाया तो इस तरह हमारी होती है एग्लोमेटिव इंस्टेड ऑफ के मीन के मीन में आपके सेपरेट सेपरेट क्लस्टर्स बनते थे जैसे ग्रीन वाली क्लास अलग ब्लू वाली अलग ऑरेंज वाली अलग ग्रीन ब्लू ऑरेंज मिक्स नहीं हो सकती बट इसमें यह है कि आपके एक ही क्लस्टर से आगे क्लस्टर्स उसी के अंदर अंदर बनते जाते हैं ठीक द रिजल्ट इज अ ट्री बेस्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स नेम डेंडोग्राम देन आप इसमें एक ट्री बेस्ड रिप्रेजेंटेशन करते हो जिसको आप डेंडोग्राम कहते हो ठीक है डेंडोग्राम के थ्रू अपने क्लस्टर्स को शो करते हो कि कौन कौन से आपके जो सबसेट्स हैं उनको मिला के आपके क्लस्टर्स बने देना आप वो बताते हो ठीक है डाटा स्ट्रक्चरेशन द डाटा शुड बी नोम इंडिविजुअल ठीक है आपका डेटा सेट होता है जिसके अंदर रो और कॉलम्स होते हैं रो क्या कह रही है आपकी रिप्रेजेंटिंग ऑब्जर्वेशन ठीक है रो में आपकी ऑब्जर्वेशन like, uh, होंगे लाइक फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ वैलूज होंगी ठीक है डी एम होंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स नंबर होंगे जिनको आप निकालोगे जिनको सोल्व करोगे ठीक वो निकाल के आप बताओगे नुमेरिक वैल्यूज है कॉलम्स क्या आपके, आपके, okay? अच्छा, आपके पास जो है एग्लोमेटिव क्लस्टरिंग में तीन तरह के लिंक्स यूज होते हैं एक है सिंगल एवरेज और कम्पलीट जो क्वेश्चन मैंने करवाऊंगी वो सिंगल लिंक के थ्रू है एवरेज और कम्प्लीट मैं समझा दूंगी कि कैसे होता है ठीक है एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर सही है अच्छा सिंगल लिंक क्या होता है सिंगल लिंक स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एन एलिमेंट इन वन क्लस्टर एंड एंड एलिमेंट इन द अदर ठीक आपके पास एक ये क्लस्टर बन गया एक ये क्लस्टर बन गया इसके दरमियान जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा जो सबसे क्लोजेस्ट होगा आप उसको कहते हो सिंगल लिंक ठीक है अगर फिर इससे अगला क्या है कंप्लीट कंप्लीट लिंक क्या होता है लार्जेस्ट डिस्टेंस मतलब कि क्लस्टर में जो सबसे दूर होगा या सबसे बड़ा होगा उसको आप कहोगे कंप्लीट लिंक ठीक अभी जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगी तो आपको चलेगा मैं सिंगल लिंक के थ्रू मतलब सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को अपने क्लस्टर में से उठाऊंगी जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मेरे पास X1 था और अब मैं देख रही लू कि स्मॉलेस्ट वैल्यू किस में आ रही है तो सपोज मेरे पास X4 में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आ रही है तो मैं एक्स वन और एक्स फोर को एक क्लस्टर बना के एक क्लस्टर में रख दूंगी और बाकी सबको एक क्लस्टर में एक्स थ्री को एक्स फाइव को एक्स सेवन को एक में रख दूंगी और एक्स वन को एक्स फोर को एक साइड पे क्लस्टर में ऐड कर दूंगी एक्स फोर को मैंने ऐड क्यों किया क्योंकि एक्स फोर की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू थी इसी तरीके से कंप्लीट में क्या होगा कि मैं देखूंगी अगर लेट्स सपोज मैंने X1 के साथ कोई क्लस्टर बनाना है तो मैं देखूंगी सबसे लार्जेस्ट लार्जेस्ट वैल्यू कौन से वेरिएबल में आ रही है तो सब जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू जिस वेरिएबल में आ रही होगा उस वेरिएबल को मैं एक्स वन के साथ क्लस्टर में बना दूंगी एवरेज ये होता है कि एवरेज में फॉर एग्जाम्पल अगर आप मैं भी क्वेश्चन समझाऊंगी समझ आएगा कि जब आप लोअर ट्रायंगल फाइंड करते हो या अपर ट्रायंगल फाइंड करते हो दोनों ट्रायंगल्स में से जो फॉर एक्जाम्पल मैं लोअर ट्रैंगल फाइंड कर रही हूँ लोअर ट्रेंगल की जितनी भी वैल्यू उन सब वैल्यूज को सम लोअर ट्रेन में आपके पास ऐसे होता है अब लेट सपोज आपके पास ये एग्जांपल है ठीक ये है आपके पास एक डाटा सेट आई नो ये बहुत गंदा लिखा हुआ ठीक है मैंने आज रीराइट नहीं किया आप इसको मेरे पुराने लेक्चर जो मैंने लिखे हुए थे पुराने टाइम पे जब मैंने पढ़ा था तब के ठीक है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगी समझने में बहुत ही सर से उतारने वाला काम किया था बट आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ जाए ठीक अब पहला क्या है ये डाटा सेट डाटा सेट में आपको दिया हुआ है ए बी वेरिएबल और यहाँ पे एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर अवेरिएबल जिनके आपके पास क्या है यहाँ पे ये यह? आपके पास नंबर है और ये क्या है आपके पास रो में क्या आ रहे हैं यहाँ पे ये यह आपके पास नंबर्स हैं और ये क्या है? आपके पास वेरिएबल्स हैं ओके एक्स वन के लिए आपके पास टू टेन है एक्स टू के लिए टू फाइव है एक्स थ्री के लिए एट फोर वैल्यू है एक्स फोर के लिए फाइव एट वैल्यू है सोल्यूशन में आपने क्या करना है क्रिएटिंग अ मैट्रिक्स आपने डिस्टेंस मैट्रिक्स क्रिएट करना है कैसे सबसे पहले जो आपके पास यहाँ पे डाटा जो आपके पास वेरिएबल्स है ना फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसे फॉर्म में डाटा नहीं दिया सकता आपको अभी तो ये वर्टिकल फॉर्म में डाटा सेट है सपोज आपको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखती ए बी एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर और नीचे वैल्यूज डाल देती तो भी वैल्यूज किसकी होती है ए बी की ना होती एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर की वैल्यूज होती ठीक है

लोअर लोअर से आप खुद ब खुद क्या करते हो अपर भी खुद से क्रिएट कर लेते हो ठीक है तो मैं लोअर ट्रेंगल फाइंड करती हूँ लेट सपोज मैंने का के X के साथ X1 के साथ डिस्टेंस डिस्टेंस फाइंड फाइंड किया करना मैंने लास्ट लेक्चर में अपने केम इन में सिखाया है वहां से जाकर आप डिस्टेंस फार्मूला देख लेना उसको समझ लेना कि कैसे करते हैं ठीक अंडर रोड डाला मैंने एक्स के वन के साथ वन के, के, के साथ करना है डिस्टेंस फाइंड है मेरा एरो हो गया एक तो अच्छा चलो ठीक है तो तुँ तुँ और टेन माइनस टेन होगा तो हमारे पास आंसर क्या गया जीरो अब मतलब मुझे पता चल गया तो जीरो आएंगे. मतलब जो सेम सेम वेरिएबल्स का गए, मैं करूंगी, तो जीरो आएगा, तो मैंने डायगनल में अपना जीरो लिख लिया एक्स वन एक्स वन जीरो एक्स टू एक्स टू जीरो एक्स थ्री एक्स थ्री जीरो एक्स फोर एंड एक्स फोर जीरो ठीक मैंने अपने लोअर जो डायगनल क्या लिख लिया स्टेप्स जो है वो सॉल्व करने ठीक है मैंने डायरेक्ट करने के लिए जो है वो बीच में भी यहाँ पे मैंने सॉल्व किया हुआ देखो यहाँ पे जीरो नजर आ रहा है यहाँ पे लेकिन मैं आगे आगे फर्दर जब सॉल्व सोल्व करूंगी तो वहां पे मैंने जीरो नहीं डाला हुआ सही है तो आप लोगों ने ये भी सॉल्व करके बीच में डायगनल में ऑल दो टाइम वेस्टिंग है आपको पता है ऑलरेडी आंसर क्या आएगा लेकिन लेकिन आपको नंबर मिलेंगे अगर आप बीच में स्टेप्स खार जाओगे तो आपका नंबर आपको डिटेक्ट हो सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली ठीक तो बड़े ध्यान से काम करना अच्छा ये तो डायगनल पता चल गया जीरो कैसे आ गया अब हम नीचे वाली वैल्यू फाइंड करते हैं एक्स वन के एक्स टू के साथ मैंने फाइंड किया ठीक है डिस्टेंस के, के फाइंड किया इसी तरीके से, करते, करते से नीचे क्या है लोअर ट्राइंगल डायगनल से ऊपर है मेरा अपर ट्राइंगल तो मैंने लोअर ट्राइंगल फाइंड कर लिया अब नजरते हैं नेक्स्ट साइड पे मैंने डिस्टेंस फाइंड कर लिया मेरा मैट्रिक्स बन गया मैं एक क्लस्टर अब हमने क्या किया कि दोबारा से एक क्लस्टर क्रिएट करना है मैंने टेबल बनाया टेबल में मैंने देखा सिंगल लिंक के थ्रू टेबल जो मेरा पिछला बना था उसमें देखा मैंने सबसे लोएस्ट वैल्यू किस में आ रही सबसे लोवेस्ट फाइव है नहीं एट है नहीं सिक्स है नहीं फोर है नहीं फाइव है नहीं ठीक है तो अच्छा अब इसमें करना है कि आपने इसमें फॉर एग्जांपल आपके पास देखो अब आपके पास देखो देखोगे इसमें सबसे लोअर वैल्यू किसकी आ रही है फाइव है एट है नहीं सिक्स फोर नहीं फाइव थ्री लोअर वैल्यू थ्री वैल्यू आ किस किसमें एक्स फोर में आ रही है तो एक्स वन का क्लस्टर किसके साथ बनाओगे अब आप लोग सबसे लोअर वैल्यू जीरो है ठीक है अब जीरो के बाद कौन सी सबसे लोअर वैल्यू थ्री है तो इस वजह से हमने X1 के X4 के साथ बनाया, पे. जाएंगे देखो एक्स वन के एक्स फोर के साथ क्लस्टर बन गया अब एक्स वन एक्स फोर एक्स टू एक्स थ्री एक्स वन एक्स फोर एक्स टू एक्स थ्री मैंने ऐसे करके अपने कॉलम नेम्स रख दिए रो नेम्स रख दिए अब इसके डैगनल पे मैंने जीरो लिख दिया क्योंकि मुझे पता है डैगनल इन दोनों का जीरो होगा इन दोनों का जीरो होगा इन दोनों का जीरो होगा अब मैंने लोअर ट्राएंगल फाइन कर लोअर ट्रैगल के लिए क्या फाइंड करेंगे आप पहले मिनिमम फाइंडिंग मिनिमम फाइन करेंगे कैसे देखो सबसे तो पहले मैंने डिस्टेंस लिखा डिस्टेंस बिटवीन एक्स फोर एक्स फोर का एक्स टू के साथ मतलब एक्स वन एक्स फोर का डिस्टेंस निकालना है के साथ अब आप पहले क्या लिखोगे मिनिमम ब्रैकेट डिस्टेंस ऑफ एक्स वन एक्स वन का X2 के साथ डिस्टेंस ठीक है मिनिमम लिखा डिस्टेंस बिटवीन एक्स वन एंड एक्स टू डिस्टेंस बिटवीन एक्स वन एंड एक्स फोर एंड एक्स टू X1 और X2 का आपके पास फोर पॉइंट टू फोर ठीक है, है? X4, है तो इसी तरीके से मैंने क्या लिख दिया फाइव फोर पॉइंट टू फोर इसी तरीके से जब मैंने अब इसका इसके साथ निकल आया है एक्स वन एक्स फोर का एक्स टू के साथ अब एक्स वन एक्स फोर का एक्स थ्री के साथ डिस्टेंस निकालना है ठीक है तो एक्स वन का एक्स थ्री के X3 साथ एक्सर का एक्स थ्री के X3 साथ जब मैंने लिखा तो मेरे पास वैल्यू आगे पीछे से टेबल से देखे एट पॉइंट फोर एट और फाइव मिनिमम निकालना है दोनों में हमने मिनिमम देखना है मिनिमम वैल्यू फोर पॉइंट टू फोर है एक्स वन एक्स फोर के एक्स टू के साथ जो क्लस्टर बन रहा है उसमें मिनिमम वैल्यू फोर पॉइंट टू फोर है और एक्स वन एक्स फोर का जो हम क्लस्टर थ्री के साथ देख रहे हैं उसमें मिनिमम वैल्यू फाइव है ठीक है ये दोनों हमने निकाल लिया अगर आप लोगों ने ये डायगनल भी निकालना है डायगनल अगर निकालोगे तो आपके पास जीरो आ रहा है जो कि मैंने एक, एक एक्स्ट्रा पार्ट किया था ठीक है तो उसमें जीरो आएगा तो आपने जीरो पुट कर दिया ठीक है और एक्स अब ये वाले तो कॉलम आपके पास निकला है ये वाला कॉलम रिमेनिंग सिक्स जो आया वो कैसे आया है एक्स और एक्स का जब मैंने क्लस्टर देखा तो सिक्स आ रहा था अगर मैं पीछे जाऊँ तो ये देखूंगी एक्स और एक्स टू और एक्स का जो है वो सिक्स है तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर आकर वैल्यू को कर दिया ठीक है जब आप एक टेबल बना ले तो आपके लिए वैल्यूज निकालना बहुत आसान होती एक है एक्स वन एक्स टू के साथ मिनिमम वैल्यू यहाँ पे देखो किसकी आ रही है मिनिमम वैल्यू यहाँ पे किसकी आ रही है एक्स टू की आ रही है तो एक्स वन एक्स के साथ एक्स टू का क्लस्टर बनेगा ठीक है एक्स वन के साथ एक्स का क्लस्टर अब मेक श्योर sure, आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी एक्स वन एक्स टू फोर uh, के बाद एक्स टू लगा के और ब्रैकेट पे बंद करो नहीं अगर आप ऐसे करोगे तो ये तीनों एक क्लस्टर बन पता चलेगा लाइक पहला क्लस्टर बनाए पहले क्लस्टर में तीनों ऐड हो गए नहीं ऐसे नहीं करना स्टेप बाय स्टेप चलना है पहले आपका क्लस्टर बना है X1 के, X4 के साथ ब्रैकेट क्लोज देन आपका क्लस्टर बन रहा है एक्स वन एक्स फोर का जो क्लस्टर है वो एक्स टू के साथ मर्ज हो रहा है तो वो दोनों अपना क्लस्टर पूरा एक वैल्यू है और इसकी एक वैल्यू है तो ये पूरा एक जाके एक अलग क्लस्टर बना है दो ठीक है टैग दल मैंने जीरो लग दिया

फोर uh, दोबारा से क्लियर करती हूँ जैसे फॉर एग्जांपल एक्स वन एक्स फोर था ना ठीक है जो आपके पास प्रीवियस लेक्चर था ठीक है एक्स वन और एक्स फोर था ठीक है और एक्स टू की वैल्यू थी उस वैल्यू को आप उठाओगे उसको किसके साथ आपने मर्ज करना है एक्स थ्री के साथ ये करके आप जब सब, सब में मिनिमम फाइंड करोगे सबकी वैल्यूज मैंने लिखी लेट सपोज देखो इस वाले क्लस्टर की मैंने लिखी जीरो इस वाले की लिखी थ्री पॉइंट सिक्स पीछे वाले टेबल से मैं देखती जाऊंगी सबकी वैल्यूज पुट करती जाऊंगी अब इसे मिनिमम क्या आया जीरो तो मैंने यहाँ पर लिख दिया जीरो ये इसकी फाइन करी थी मैं भी ठीक है डायगनल की फाइन करी थी अब अगर मैं X3 के साथ करूं तो क्या है? मेरे X3 के साथ फाइंड करने पे की के साथ जब मैंने तीनों वैल्यूज लिखी तीनों वैल्यूज में यहाँ पर उठ गई और फाइव मेरे यहाँ पर आ गई तो मतलब अब अब अगर मैं एक और क्लस्टर बनाना चाहूंगी देखो मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ पहला क्लस्टर मेरा कौन सा बना एक्स वन एक्स फोर का एक्स वन एक्स फोर का

देखो यहाँ से मेरा जो है इसमें लिखा नहीं जा रहा इसको मैं रेस करती हूँ जैसे मैंने यहाँ पे ब्रैकेट बनाई एक ये ब्रैकेट आ गई यहाँ से और यहाँ पे मैंने क्लस्टर बना दिया एक्स सी का ठीक है और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगाई ठीक है ये ब्रैकेट आप लोगों ने याद रखनी है अगला स्टेप मैंने किया नहीं क्योंकि वो जरूरी नहीं था ठीक है अब अब का बन गया तो अब अगला जो टेबल बनेगा वो मेरा कितना बनेगा इतना टेबल बनेगा बस ठीक है जाहिर सी बात है कॉमन कॉमन जो है उसमें जीरो आएगा तो इतना टेबल बनेगा तो फिर उसके लिए इतनी सारी जो है क्वारी करना या इतनी सारी जो है मेहनत करना वो जरूरी नहीं है आपको पता है जब इसका करने का आगे आंसर जीरो ही आ रहा है तो दोबारा से आप लोगों को क्लस्टर बनाने की जरूरत है आपको पता है एंडिंग क्लस्टर आपका से बनेगा बट में एक शोर जो आप बनाओगे उसमें आपने ब्रैकेट जान है ठीक है अच्छा अब नेक्स्ट पे जाते हैं स्कैटर प्लॉट कैसे बनेगा बने कहा के 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 का, 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 कौन कौन से पॉइंट पे बना था मैंने एक्स वन का पॉइंट लिखा एक्स फोर का पॉइंट लिखा और प्लॉट आपका बनता कैसे क्वेश्चन की बेस पे बनता है ठीक है एक्स वन और एक्स फोर का जो आपका क्वेश्चन में वैल्यूज होती है वहां से आपका जो है स्कैटर प्लॉट पॉइंट आउट होता है ठीक है तो आपने वहां से जाके स्कैटर प्लॉट

जो अगर आप लोगों ने मेरा लेक्चर पढ़ा हो, उसमें पता है उसमें अलग अलग क्लस्टर लाइक का अलग है इधर 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 एक अलग है, इधर एक अलग इधर एक अलग 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 क्लस्टर 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 है है सेपरेट है ठीक है लेकिन में होता है कि आपके क्लस्टर एक दूसरे के साथ मर्ज होते हैं लिंक कर रहे थे एक क्लस्टर के ऊपर ही दूसरा क्लस्टर डिपेंड कर रहा होता है ठीक है डेंडोग्राम आपका बनेगा आप सारे यहाँ पे ड्रॉ करोगे अपना जो सारे वेरिएबल्स नेम्स है सारा कुछ ड्रॉ करोगे देखोगे एक्स वन का एक्स फोर के साथ कौन से पॉइंट पे जाए क्लस्टर बना था फोर पॉइंट पे बना था या थ्री पॉइंट पर बना था सॉरी जो मिनिमम वैल्यू आ रही थी यहाँ पर थ्री पॉइंट सिक्स थी एक्सर की ठीक है डेंडोग्राम आपने बनाया नीचे जाकर थ्री पॉइंट यहाँ बन रही थी ठीक है फिर एक्स वन एक्स फोर मिनिमम वैल्यू यहाँ पे आ रही थी फोर पॉइंट समथिंग पे आ रही थी और इसकी वैल्यू फाइव पे पूरी आ रही थी तो मैंने फाइव पे जाकर इसका डेंडोग्राम बना दिया तो ऐसे ये डेंडोग्राम बनता है इसका ठीक है और इसको डिस्कार्ड करते हैं अच्छा आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था इसमें हमने पढ़ा कि क्लस्टरिंग क्या होती है क्लस्टरिंग क्या होती है उसके अंदर जो लिंक सिस्टम होता है वो सिंगल लिंक कैसे यूज होता है जैसे मैंने मिनिमम वैल्यू आई उसके अंदर सिंगल लिंक है अगर आप इसमें मैक्सिमम वैल्यू यूज करोगे लेट सपोज मैक्सिमम वैल्यू तो एक्स वन का एक्स थ्री के साथ क्लस्टर पहला बनता ऐसा ही है फिर इसमें एक्स वन एक्स थ्री के बाद कौन सा क्लस्टर बनता है एक्स थ्री का बनता है तो हो चुका होता फिर कोई और क्लस्टर बनता ऐसा करके आपके डेंडोग्राम भी डिफरेंट बनता तो इस तरह से कंप्लीट लिंक इस तरह होता है अगर आपको पेपर में दे दी जाए कम्प्लीट लिंक के थ्रू आप के, के तो आपके अगर एवरेज कह दिया जाए तो एवरेज में यह फोर पॉइंट टू फोर सिक्स पॉइंट को प्लस डिवाइड बाई थ्री करोगे तो आपका एवरेज लिंक बन जाएगा ठीक है तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक माई विडियो माई चैनल एंड थैंक यू सो मच